ईट हेल्दी स्टे हेल्दी हाई एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नेचुरल हेल्थ विद पल्लवी सिंह क्या यह वास्तव में संभव है कि एक फल जो हमारे हेल्थ के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है वह किसी बीमारी का कारण भी बन सकता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के आखिर में हम जानेंगे कि अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं किडनी में कई तरह की पथरी हो सकती है लेकिन जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वह है कैल्शियम की पथरी ऑक्सलेट एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जो सब्जियों और फलों में पाया जाता है आपकी बोन्स और मसल्स ब्लड से कैल्शियम को अवशोषित करती है लेकिन जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है फिर एक ऐसा टाइम आता है कि किडनी आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा कैल्शियम को बाहर निकालने में कैपेबल नहीं होती जिसके कारण धीरे धीरे किडनी में कैल्शियम एक पत्थर के रूप में जमा होने लगता है टमाटर में ऑक्सलेट होता है लेकिन इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है इतने कम ऑक्सलेट में किडनी में स्टोन बनने की संभावना काफ़ी कम होती है 100 ग्राम टमाटर में केवल 5 ग्राम ऑक्सलेट होता है अगर आपको भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो आपको ऑक्सीलेट के सेवन को सीमित करना चाहिए पालक बीन्स चुकंदर में भी काफ़ी मात्रा में ऑक्सीट पाया जाता है खाने से पहले हमें सब्जियों को अच्छी तरह पकाना चाहिए आइए अब जानते हैं कि किडनी स्टोन की समस्या होने पर आपको क्या करना चाहिए कम से कम दो लीटर डेली पानी ज़रूर पीना चाहिए ऐसा करने से किडनी को बॉडी से हानिकारक विषाक्त पदार्थ निकालने में हेल्प मिलती है सोडियम का सेवन कम करना चाहिए और अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहिए आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी थैंक यू फ्रेंड्स फ़ॉर वॉचिंग दिस वीडियो